हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक सामल। मेरे पास है नोकिया का न्यू मॉडल है 150। तो आज हम इसको डिसअसेंबली करेंगे, देखेंगे इसका माइक कैसा है, इसका स्पीकर कैसा है, इसका रिंगर कैसा है, इसका मदरबोर्ड में जो कंपोनेंट लगा है हम सब देखेंगे। तो आप आज इसको हम करेंगे डिसअसेंबली। तो पहले आपको जो पीछे का कवर है आपको उसको निकाल लेना है। पीछे का कवर निकालने के बाद यहाँ पर चार स्क्रू लगा होगा, यहाँ पर चार स्क्रू को भी आपको यहाँ पर हटा लेना है। उसके बाद हटाने के बाद देखिए आगे वाला कवर आपको ऐसे निकाल लेना है, आगे वाला कवर को। ओके, तो अभी यहाँ पर इसको रखते हैं हम साइड में। अभी यहाँ पर ये आप आ गया इसका मदरबोर्ड। तो अभी हम मदरबोर्ड को निकालते हैं यहाँ पर। अभी ये उसका हड्डी आ गया। अभी यहाँ पर देखिए जो रिंगर लगा है, एक ही रिंगर है इसमें, इसमें स्पीकर नहीं है। आपको इसी में ही आपको रिंगर स्पीकर मिलेगा, इसी में ही आपको मिलेगा रिंगर और स्पीकर। तो ये आपका हो गया इसका मदरबोर्ड। तो नीचे से शुरू करते हैं। अभी देखिए आपको ये तो आपका हो गया बैटरी कनेक्टर। यहाँ पर देखिए माइक कैसा लगा है, कैसा वाला माइक है ये, ठीक है। इसके अंदर इसका सीपीयू पावर है इसी, यहाँ पर नेटवर्क एज वगैरह लगा है। यहाँ पर आपको दोनों सिम ट्रे मिल जाएगा, दोनों सिम ट्रे। यहाँ पर आपका मेमोरी चिप, यहाँ पर कैमरा, ईयरफोन जैक, आपका यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपका चार्जिंग कनेक्टर, और यहाँ पर आपका दोनों है रिंगर का पॉइंट, ठीक है। यह है पीछे का साइड, नोकिया 150 न्यू मॉडल। अभी चलते हैं आगे की तरफ। देखिए इसका डिस्प्ले कैसा है, मैं थोड़ा आपको दिखा दूं। देखिए डिस्प्ले जो है, इसका डिस्प्ले है सोल्डिंग वाला डिस्प्ले लगा है 37 लेग का, ठीक है। 1 to 37 लेग का आपका लगा है, इसमें लगा है सोल्डिंग वाला डिस्प्ले लगा है, ठीक है। अभी बात करेंगे की पैड के बारे में। तो जो की पैड इसमें आपका कार्बन का यूज हुआ है, या फिर कार्बन लगा है, या फिर आपका क्या लगा है, थोड़ा हम देख लेते हैं की पैड कैसा है नीचे वाला। दोस्तों नहीं, इसमें कार्बन नहीं लगा है, जैसे होना चाहिए, आप जैसे सोच रहे थे वैसा ही की पैड है इसका, कोई टेंशन नहीं है। चलिए ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और अगर आपका कोई जरूरत आए, क्या क्या पूछना है, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आप कहीं ट्रैक फ्रैक मिसिंग है तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट में, आपको मैं आपको ढूंढ कर उसको दे दूंगा, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।